हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस हो गया है, दिन का शुरुआत हो गई है और आज है सोमवार है और 13 तारीख है। तो बस यहाँ पे बिस्तर वगैरह देख रहे होंगे आप कैसे फैले पड़े हैं। और ये कल के कुछ कपड़े थे ये रखे नहीं थे मैंने, कुछ तो रख दिए थे, कुछ नहीं रखे थे। कुछ क्या रख दिए थे, अंडर गारमेंट्स पहन लेते हैं और ड्रेस प्रेस हो जाती है, तो बस ये थोड़ा बहुत कपड़े थे। मैंने कहा चलो इन्हें संभाल देती हूँ और अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और जो ये कुर्ती मैंने पहनी ना, ये भी मैंने सिली हुई है। तो वैसे तो मैंने बहुत सारे सिले हुए हैं पहले, और ये तो बस यहाँ पे आज मैं बेडशीट चेंज करती, ये ना उड़ रही थी, मैंने बताया था ना आपको, तो ये बेडशीट उड़ रही थी, बहुत हल्की है, तो मैंने कहा चलो इसे चेंज कर देते हैं। वैसे भी गंदी हो ही जाती है 2-4 दिन में, तो आज मैंने सोचा इसे चेंज कर देते हैं। और किचन की क्लीनिंग हो गई है, और आजकल मतलब बाहर का मेरा नहीं, अभी आज बाहर का नहीं हुआ क्योंकि इस तरफ की दीवार ना कंप्लीट हो गई है, तो अब इधर इतना कूड़ा नहीं आता। पहले तो वहाँ से कूड़ा आता था ना, तो अब पूरा बंद हो गया इधर से। तो फिर मैंने कहा चलो पहले अंदर से काम अपना निपटाते चलती हूँ, फिर बाहर चलती हूँ। और आजकल ना मैं जल्दी सो जाती हूँ, तो फिर ब्लॉग वगैरह भी, मतलब मेरा वीडियो जो रहता है, तो मॉर्निंग में ही मुझे 8:30 मतलब जब ये जाते तो उसके टाइम पर ही मुझे थंबनेल वगैरह इसका जो भी काम है तब भी करती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे ये अंदर बाहर की वो बाहर थी पिल्लो ना, तो अंदर ले आई हूँ, बिस्तर सेट कर दिया है। इसके बाद ये जो कपड़े निकाले थे ये मैंने बाहर रख दिए क्योंकि अभी ये वॉश होंगे। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ से निकाल रही हूँ बेडशीट, और बेडशीट वगैरह कुशन बेडशीट ना मैं इसके अंदर रखती हूँ, सोफ़ा कम बेड के अंदर। तो बस बेडशीट में मैंने निकाल ली है और ये ब्लू वाली बिछा रही हूँ आज। और इसके बाद फिर मतलब मोटर लग गई थी, दीदी ने मोटर लगा ली थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं मतलब पहले कपड़े भी साथ साथ धुलने डाल देते, तो कपड़े भी क्योंकि इनकी ड्रेस भी थी, ड्रेस थी। अच्छा मंगलवार का वीडियो, सॉरी आज का वीडियो है ये, सोमवार का नहीं है, मैंने पहले सोमवार बोला था। तो ड्रेस भी थी और इनकी वाइट ड्रेस भी मैंने वॉश नहीं की थी, तो वो सब मैंने लगा ली है मशीन पर। और ये पर्दे पर ना मैं कंगन लगाती हूँ, जिससे ना इकट्ठा वैसे रहता है पर्दा, नहीं तो यहाँ पे खिड़की पे फिर वो कूलर वगैरह चलाते हैं तो उड़ता रहता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ मैं, और अलमारी भी देख रहे होंगे आप क्या हाल हो रखे हैं। तो बच्चे ना ये मतलब जैसे कुछ ढूंढते हैं फिर इधर उधर कर देते, तो करनी है मुझे साफ। और आज बच्चों के पापा भी कागज़ वगैरह ढूंढते तो इधर उधर कर देते हैं, तो अलमारी भी करनी है मुझे साफ। और आजकल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल जैसे अब इनकी प्रैक्टिस करा रही, तो कॉपी वगैरह ढूंढते हैं जैसे अब कॉपी घर में क्वेश्चन आंसर कराने के लिए, तो इसलिए ये अलमारी के हाल ऐसे हो रहे हैं। तो ये भी करूँगी कल करती हूँ इसे साफ। और तो बस यहाँ पे बेड मेरा तैयार हो गया है, और तो ये बच्चों ने ना गुल्लक अपने निकाल रखे थे नीचे, तो वो मैं रख दिए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ की अपने सोफ़े की सफ़ाई करूँगी। सफ़ाई क्या, सुबह झाड़ के ही बिछाया था ये, बट ये कि दोबारा से जब सफाई कर रहे हैं तो दोबारा से बिछा देते हैं। तो बस यहाँ पे बिछा दिया है, और इसके साथ अपना अब स्टार्ट करेंगे झाड़ू पोछा भी। अब वैसे बिस्तर वगैरह अगर सेट हो जाए ना उसके बाद फिर ना इतना काम नहीं लगता है, क्योंकि फिर उसके बाद सीधे मतलब झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो और काम फिनिश हो जाता है। तो बस यहाँ पे अंदर से झाड़ू लगा के ले आई हूँ मैं, और बाहर पे लगा रही हूँ। और सीढ़ी का गेट मैंने बंद कर दिया क्योंकि ट्राईपॉड लगाती हूँ ना, तो ये लगता है दीदी ना आ जाए, इसलिए मैं बंद कर देती हूँ। फिर ये कि आएंगी भी अगर, वैसे तो नहीं आती मॉर्निंग के टाइम पे, तो उनका खुद ही काम रहता है नीचे, भैया 9 बजे जाते हैं तो तब तक तो मेरा झाड़ू पोछा हो भी जाता है। बट ये रहता है कि थोड़ा मन में रहता है ना, बोलते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही वाली बात है। तो इसलिए मैंने मतलब कुंडी लगा ली, फिर झाड़ू पोछा जब मेरा बाहर का वीडियो रिकॉर्डिंग का काम हो जाएगा और तो फिर मैं खोल दूँगी। बस यही रहता है कि आएंगे तो जल्दी जल्दी से कैमरा मतलब अंदर रख दूँगी। वैसे तो उन्हें पता है मेरे चैनल के बारे में, बट उन्हें मतलब नाम नहीं पता और समझते भी नहीं है ना लोग की वेल ब्लॉग क्या होता है। तो फिर इसलिए मैं, उन्होंने एक दो बार पूछा था पहले, फिर मैंने बोला था दीदी जब सही चलेगा तो बताऊँगी, फिर उन्होंने भी नहीं पूछा और मैंने भी नहीं बताया। तो बस झाड़ू लग गया, झाड़ू के बाद अंदर से पोछा लगा के ले आई हूँ मैं, और अब यहाँ बाहर पे पोछा लगा रही हूँ। वाइपर टूटा हुआ है बट वाइपर लाने की याद ही नहीं रहती है, और फिर मैंने सोचा जब तक काम चल रहा है चला लो, है ना। तो बस ऐसे ही काम चला रही हूँ, और कपड़े आप देख रहे होंगे, कपड़े धुलने हैं काफ़ी सारे क्योंकि बेडशीट भी निकाल ली है, और ये भी है वो ड्रेस भी है, और फिर अपने डेली के जो कपड़े हैं वो तो हैं ही हैं।
तो बस मशीन लगी थी ऐसे, बेडशीट अलग धुलती है, लाइट कपड़े अलग धुलते हैं, तो बस ये आफत तो इतनी होती है। वैसे हाथ से धुलने में बढ़िया वो है, बट सर्वाइकल की वजह से मैं नहीं धुलती हूँ। और तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपना सूट, ये कुर्ती मैंने सिली है और गीला भी हो रखा, क्योंकि मैंने अभी बर्तन वॉश किया ना, तो मैं देख रही थी कि गीला भी है, तो ये कुर्ती सिली है मैंने। तो मिलती हूँ, चलो आपसे बात करती हूँ। सो फ्रेंड, 11 बज गए हैं और ये सूट मैंने सिला, जस्ट मैंने आपको दिखाई दिया। तो मैं गई थी मैक्सी लेने गई थी, क्योंकि पूजा वगैरह के लिए जैसे होता है ना, नहा के मैक्सी पहन लो फिर अपने कुछ भी कपड़ा पहन लो जल्दीबाजी में, जैसे होता है कि सूट ढूंढो, प्रेस करनी है, ये करनी है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैक्सी पहन लेती हूँ। तो मैक्सी ऐसी फट गई थी मेरी, मतलब कब से मैंने लाई भी नहीं थी, ये लाए थे जब मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ था कोविड से पहले, उस टाइम पर ये मेरे लिए मैक्सी लाई थी। उस समय क्योंकि पाँव फ्रैक्चर था तो ज़रूरत थी, तो फिर उस समय बस मैक्सी पहनी मैंने, तो उसके बाद फिर तो ले गई, तो वहाँ एक कट पीस का कपड़ा था ये, तो फिर मुझे 100 रुपये में दिया उन्होंने, ये 100 रुपीज़ में दिया, 1.5 मीटर था ये, जो बच्चे होते हैं ना थान से वो वाले थे ये। तो फिर मैं ले आई थी और तो मैंने कहा कल सिल दिया था, तो मैंने कहा डेली यूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे सूट ऐसे जो रिटायर होने वाले हैं मेरे, तो मतलब ऐसे ये पहन रही हूँ बस। बट पहनने मतलब वैसे तो लोग पहनते हैं कैसे कैसे पहनते हैं, बट ये कि मन मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, और इस बार तो मैंने बहुत चला लिए ये सूट वगैरह वैसे भी। तो फिर और आज मेरा काम है ये, एक साड़ी ये है और एक साड़ी है, तो इन साड़ियों में फॉल लगाना है। जैसे कल हम मार्केट गए थे तो फॉल तो लेके आ गई थी वहाँ से, तो आज ही लगाऊंगी, आज कल 2-3 दिन जितने 4 दिन जितने भी लगेंगे, तो बस ये फॉल लगाना है मुझे। सिलाई का काम है मेरा, 1-2 कुर्तियाँ टाइट डिली करने के लिए, वैसे 2 कुर्तियाँ में जो मार्केट से लाई थी वो भी हैं, तो उन्हें देखती हूँ, क्योंकि या आप सिलने दे दूँगी या मेरे को टाइम मिल जाएगा तो मैं सिल लूँगी जैसा भी होगा। थोड़ा गले में मेरी ना फिनिशिंग नहीं आती, तो इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ सिलना। ये जैसे 100 रुपीज़ का था डेली यूज़ के लिए तो चल जाता है, तो मैं देखूँगी जैसा भी होगा, जैसे माइंड बनेगा, क्योंकि अभी तो 2 सूट दिए वो ही नहीं आए, 1 सूट आया उनमें से 2 अभी नहीं आए हैं, तो टेलर भी हमारी थोड़ा ढीली सी है, उसके साथ छोटा बच्चा है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कान में कुछ, हाँ आपको घर के अपने घर की अपडेट देनी थी, तो घिसाई हमारी स्टार्ट हो गई है, मतलब फर्श वगैरह तो पूरा लग गया था ना, तो घिसाई स्टार्ट हो गई, तो और अब बच्चों की 21 से एग्ज़ाम, आप बोलेंगे रोज़ एग्ज़ाम लगी, क्योंकि मुझे ना बहुत टेंशन होती है जब एग्ज़ाम होते हैं ना, तो बहुत टेंशन होती, प्रेशर रहता है माइंड में, पढ़ा पाऊँ ना पढ़ा पाऊँ उतना, बट टेंशन बहुत रहता है। तो आजकल तो शाम को ये कि पूरा टाइम बच्चों के लिए ही है, तो बस चलो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।